नई संसद में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को जब बतौर सांसद प्रवेश किया तो हर किसी की नजरें उन पर टिक गईं। अखिलेश के एक हाथ में संविधान की किताब थी, दूसरे हाथ में उन्होंने अयोध्या से अपने नए नवेले सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। सीढ़ियां चढ़कर वो अवधेश प्रसाद को अपने साथ अंदर संसद में ले गए। इस दौरान अयोध्या सांसद ने झुककर संसद की सीढ़ियों को प्रणाम भी किया। अंदर सदन में अखिलेश यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ विपक्ष की पहली पंक्ति में बैठे नजर आए। खास बात ये रही कि यूपी विधानसभा की तरह यहां भी अवधेश प्रसाद अखिलेश के बगल में ही बैठे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अवधेश प्रसाद को इतना महत्व देकर अखिलेश यादव ने बड़ा सियासी संदेश दिया है। कहीं न कहीं अयोध्या में बीजेपी की हुई किरकिरी को उन्होंने भुनाने की भी कोशिश की है। संसद में प्रवेश के मौके पर अखिलेश अपनी पार्टी के सभी सांसदों के साथ मीडिया के सामने पहुंचे। उनके बगल में पत्नी डिंपल यादव और चाचा रामगोपाल यादव भी मौजूद थे। इस बीच अखिलेश ने पीछे खड़े अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़ा और उन्हें सामने लेकर आए। उन्होंने सबसे परिचय कराया तो अवधेश प्रसाद ने हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव लगातार तवज्जो देते रहे। यूपी विधानसभा में भी वो अखिलेश यादव के बगल में बैठते रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने पीडीए की जो पॉलिटिक्स शुरू की, अवधेश प्रसाद उसका बड़ा चेहरा रहे। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को तरजीह देकर अखिलेश यादव ने 37 सीटों पर कब्जा जमा लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। समाजवादी पार्टी का स्वाभाविक तौर पे ये पार्टी का एजेंडा होगा, वो पार्टी का कौन सा एजेंडा है जो अभी तय होगा? लेटर अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मीटिंग कर। हाँ है, प्लान है, बढ़िया। क्या प्लान है बताएंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका उत्तर प्रदेश से ही लगा था। बीजेपी यहाँ मात्र 33 सीटों पर ही सिमट गई। जिस अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर से लेकर अरबों रुपए के विकास कार्य करवाए गए, वहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 9 बार से सपा विधायक चुनते आ रहे अवधेश प्रसाद ने बीजेपी से 2 बार सांसद चुनते आ रहे लल्लू सिंह को मात दे दी। इस हार की वजह से बीजेपी को देश और विदेश में किरकिरी का सामना करना पड़ा और यही संदेश देकर संसद के पहले दिन अखिलेश यादव बीजेपी को चढ़ा गए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने अयोध्या की जनसभा में गलती से अवधेश प्रसाद को पूर्व विधायक बता दिया था। अवधेश उस समय बीकापुर से सपा विधायक थे तो उन्होंने तत्काल सपा प्रमुख को उनकी गलती का एहसास दिलाया। इस पर अखिलेश ने बात संभालते हुए कह दिया कि आपको पूर्व विधायक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अयोध्या के नए सांसद बनने जा रहे हो। उस समय कौन जानता था कि अखिलेश की भविष्यवाणी सच हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो अवधेश प्रसाद अयोध्या के नए सांसद बन चुके थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।